और अफ्रीका के कैबरोन से फंसे 27 प्रवासी मजदूर झारखंड वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों को लगभग 30 लाख की बकाया राशि का भुगतान कराया और आज गिरिडीह में प्रत्येक श्रमिकों को 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मातो जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोग सुरक्षित आ गए। आप लोगों का खबर हम देखे तो हम बहुत विचलित हुए और हम लोग लगे आप लोगों किसी तरीके से जल्दी घर लेके आए। कितने लोग थे आप लोग? आपका घर कहाँ हुआ? तीन जिला के लोग हैं आप लोग। आप लोग कितना दिन पहले गए थे? और भी लोग वहाँ पहले गए हुए हैं क्या हम लोग की इधर से? बिल्कुल, कभी देखिए ऐसा कदम उठे। देखिए आप लोग बिल्कुल सरकार को बता के जाइए, सरकार के पास बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो भी सरकार को बताइएगा तो हम लोग आप लोगों को नजर रखेंगे। ये तो संयोग है कि आप लोग का संदेश हम तक पहुंच गया और हम उसी समय से आप लोग को लाने का ये में लग गए। विदेश का बात है ना, देश के अंदर होता तो बहुत ये होता, कई लोग ऐसे बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। भगवान की दया से सब चलिए, आप लोग आ गए सुरक्षित। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। कृष्ण बाबू हमारा दो कार हुई तमाम। अच्छा रानी बेड़ा, अच्छा मतलब आगो मतलब आप मातो